जब तक ये दीदी आए चलो देख लेते हैं, और देख लेते हैं किसको कितना पता है। अच्छा तुम बताओ लड़का क्या होता है? पुल्लिंग। अच्छा बताओ शेरनी क्या होता है? स्त्रीलिंग। अच्छा ये कोई नहीं बता पाएगा, गंगा नदी क्या होती है? पुल्लिंग। स्त्रीलिंग। नहीं नहीं पुल्लिंग। नहीं नहीं स्त्रीलिंग होती है। नहीं नहीं पुल्लिंग। क्या बातें हो रही हैं आप लोग के बीच में आज भाई? दीदी कोई कहता है कि गंगा नदी पुल्लिंग होती है, कोई कह रहा है स्त्रीलिंग होती है। अब आप ही बताइए कि गंगा नदी क्या होती है। हाँ हाँ बिल्कुल जरूर बताएंगे, पिछली बार मैंने लिंग पढ़ाया था तो एक खास बात आज आप लोग को और बताते हैं कि दिनों के नाम, महीनों के नाम, देशों के नाम और ग्रहों के नाम जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में ही होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? और नदियों के नाम, बोलियों के नाम, भाषाओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में होते हैं। तो गंगा क्या है? स्त्रीलिंग। नदी है, स्त्रीलिंग हुई, बताया ना हमने आप सबको। लिंग के बारे में सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब आज हम लोग आगे बढ़े। आज हम आपको वचन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले वचन की हम आपको क्या बताते हैं? परिभाषा। ठीक है, शब्द के जिस रूप से एक या अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। समझ में आया सबको? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अधिक होने का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। आप लोग पढ़ेंगे एक बार परिभाषा? पढ़िए आप लोग, सब लोग पढ़िए। शब्द के जिस रूप से एक या अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शाबाश, सबको परिभाषा समझ में आ गई? हाँ। अच्छा अब हम बताते हैं आप लोग को कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। समझ में आया? पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। अब हम दोनों की परिभाषाएं भी तो जाने पहले कि दोनों की क्या परिभाषा होती। तो सबसे पहले हम लोग एक वचन की परिभाषा को समझते हैं। जो एक का ज्ञान कराए उसे एक वचन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो एक का ज्ञान कराए, जैसे पुस्तक एक का ज्ञान करा रही है, पेंसिल एक का ज्ञान करा रही है। समझ में आ रहा है सबको? एक चीज का जो ज्ञान कराए उसको हम एक वचन, वचन नहीं, वचन की परिभाषा तो बताई थी, उसको हम एक वचन कहते हैं। समझ में आ रहा है सब बच्चे को? जैसे कि ये एक पन्ना है मेरे हाथ में, तो ये किसका उदाहरण हुआ? एक वचन हुआ, एक का बोध करा रहा है ना ये। हाँ ठीक है, समझ में आया सबको? अच्छा एक वचन की परिभाषा आप सब लोग एक बार पढ़िए, देखिए। जो एक का ज्ञान कराए उसे एक वचन कहते हैं। शाबाश, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अब सबको समझ में आ गई एक वचन की परिभाषा? अभी हम सबसे पूछेंगे उदाहरण, और उदाहरण भी समझ में आ गया? ठीक है, अब हम लोग जो है बहुवचन की परिभाषा लेते हैं। देखिए समझ, देखिए सब लोग, जो एक से अधिक का ज्ञान कराए उसे बहुवचन कहते हैं। एक से अधिक का, जैसे पिछली बार मैंने बोला पुस्तक, तो पुस्तक तो किसका ज्ञान करा रही थी? एक का, तो क्या थी वो? एक वचन थी। अब जब बहुत सारी पुस्तकें हो जाएंगी तो वो क्या हो जाएंगी? बहुवचन हो जाएंगी। हैं, पिछली बार हमने एक पन्ना दिखाया था तो क्या था वो? एक वचन। अब हमने आपको तीन पन्ने आपके सामने रख दिए तो वो क्या हुए? बहुवचन हुए। अच्छा अब कुछ और चीजें हम आपको दिखा करके पूछते हैं, बताइए। अच्छा ये क्या है? एक पेंसिल है, तो ये क्या हुई? एक वचन का उदाहरण हुई। अब जो मेरे हाथ में इतनी सारी पेंसिल है, इसको गिनते हैं कितनी हुई? एक दो तीन चार पाँच छ। जब हमने छह आपको एक साथ दिखाई तो आप पेंसिल की जगह क्या बोलेंगे? पेंसिलें। तो ये किसका उदाहरण हो गया? बहुवचन का। एक पेंसिल तो एक वचन का, और बहुत सारी पेंसिलें बहुवचन का उदाहरण हो गया। सबको समझ में आ रहा है? हैं? ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोगों को ये दिखाई, ये क्या है? सब लोग खाते हैं? खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं ना। क्या है ये? टॉफी। टॉफी है, ये किसका उदाहरण है? एक वचन का। और जब मैंने मुट्ठी में बहुत सारी ले ली तो ये क्या हो गई?
बहुवचन टॉफियां। और किसका उदाहरण है? सोहम आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, बताइए एक बार। टॉफियां। टॉफियां किसका उदाहरण है? बहुवचन का। शाबाश। एक टॉफी एक वचन का उदाहरण, बहुत सारी टॉफियां बहुवचन बहुवचन का उदाहरण। आप सबको एक वचन और बहुवचन के बारे में परिभाषा समझ में आई? जी है। अगर हम कुछ शब्द पूछेंगे तो आप लोग बताएंगे उसका बहुवचन क्या होता है? जी जी जी। सबको समझ में आ गई? सौम्य आपको आई समझ में? ठीक है। अब आप लोग से पूछते हैं, देखते हैं कौन सही बताता है बच्चा। ठीक है। अब ये लिखा है एक वचन के कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको आपको बहुवचन में बदलना है। हम जिससे पूछेंगे वही बताएगा, सब लोग नहीं बताएंगे, एक एक करके हम सबसे पूछेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप बताइए उदय क्या लिखा है? लड़की। लड़की का बहुवचन क्या होगा? लड़का है। बहुवचन मैंने पूछा लड़कियां। ध्यान दीजिए, मैं वचन के बारे में पूछ रही हूँ। लड़की तो एक वचन हुआ, जब हमने इसको बहुवचन में बदला तो लड़कियां। सही बताया इसने उदय ने? सही बताया कि गलत बताया? सही बताया। अच्छा अब चांदनी आप बताइए रानी का बहुवचन क्या होगा? रानियां। अच्छा सौम्या आप बताइए बेटी का बहुवचन क्या होगा? बेटियां हैं। अब सोहम आप बताइए कविता का क्या होगा बहुवचन? कविताएं। अब देखते हैं जरा सा, यहाँ हमने उत्तर लिख रखा है, अब देखते हैं कि आप लोगों ने सही जवाब दिया कि नहीं दिया। देखिए आप लोगों ने लड़की का लड़कियां बताया था, सही जवाब था ना सबका? शाबाश। रानी का आप लोगों ने रानियां बताया था सब बच्चों ने। बेटी का बेटियां बताया था और कविता का कविताएं बताया था। तो इसका मतलब आप सबको शब्दों में अगर एक वचन को बहुवचन में बदलने को हम बोले तो आप सब लोग आराम से बदल लेंगे, क्योंकि सबको समझ में आ गया। अब हम कुछ वाक्य लेते हैं, वाक्य में देखते हैं कि कौन कौन सही सही वाक्य बताता है। ठीक है। अब वाक्य में हम लोग लेते हैं, ये वाक्य जो है वो एक वचन के हैं सारे वाक्य। ठीक है। फिर आप लोग से भी हमको एक वचन का वाक्य पूछेंगे बाद में, पहले आप लोग ये बताइए हैं कौन बताएगा? उदय आप बताएंगे? अच्छा। अध्यापिका पढ़ाती है, ये वाक्य है किसका? एक वचन का। शाबाश। अब इसको हम बहुवचन में कैसे बदलेंगे? अध्यापिकाएं पढ़ाती है। हैं हो जाएगा ना? बहुत सारी अध्यापिकाएं हो गई, कितनी हो गई? बहुत सारी। तो हो जाएगा अध्यापिकाएं पढ़ाती हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा अब छोटे लाल आप बताइए इसका क्या होगा? बच्चा पढ़ रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं। हैं बोलिए। हैं है। हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। इसका हमें बहुवचन तो बनाना था। अच्छा अब सौम्या आप बताएंगी? ठीक है। लड़का लिखता है, इसका बहुवचन बनाइए। लड़के। हाँ लड़काएं नहीं होता है, होता है लड़के। लड़के लिखते हैं। हैं लड़के लिखते हैं। लेकिन हमें एक बात और वचन में ध्यान रखने वाली होती है कि हम लोग आदर और सम्मान जब प्रकट करते हैं तो एक वचन को भी बहुवचन में प्रयोग करते हैं, बदलते नहीं प्रयोग करते हैं। ठीक है। जैसे हम लोग ये तो नहीं कह रहे हैं कि पिता आ रहे हैं, पिता के प्रति हमारे दिल में क्या होता है? आदर और सम्मान होता है, हमसे बड़े होते हैं, लेकिन पिता होते तो एक ही है सबके, हैं? तो हम लोग उसमें आदर और सम्मान में जी लगाते, बोलते हैं ना हम लोग पिताजी आ रहे हैं। जैसे हम लोग कभी ये नहीं कहते कि गुरु आ रहे हैं, क्या बोलते हैं? गुरु जी आ रहे हैं। हम लोग उनके प्रति आदर या सम्मान प्रकट करते हैं कि गुरु जी आ रहे हैं, जबकि गुरु जी और पिताजी होते हैं एक वचन, लेकिन हम लोग आदर और सम्मान के कारण उनको बहुवचन में प्रयोग करते हैं। सब लोग ध्यान रखेंगे इस बात को, हैं? अच्छा कोई वाक्य आप लोग भी बनाइए, हमको बताइए एक वचन का कोई वाक्य बनाइए। बच्चा खेलता है। बच्चा खेलता है। अच्छा उसका क्या बनेगा बहुवचन? बच्चे खेलते हैं। अच्छा अब हम लोग चेक तो कर लें कि आप लोगों ने सारे सही बताए थे कि नहीं जवाब बताए थे। आप लोगों ने बताया था अध्यापिका पढ़ाती है का बहुवचन होगा अध्यापिकाएं पढ़ाती हैं। सही बताया था जवाब, था ना सही जवाब? बच्चा पढ़ रहा है,
आप लोगों ने बताया था बच्चे पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के तो हैं हो जाएगा ना। अच्छा, लड़का लिखता है, लड़के लिखते हैं। बहुत सारे लड़के हो गए, एक में तो हम लोग है लगाते हैं और बहुत सारे में है लगाते हैं। अब यहाँ पर जैसे हम कहेंगे लड़की बैठी है, अब यहाँ एक से ज्यादा लड़कियां हैं तो हम लोग क्या कहेंगे? लड़कियां बैठी हैं। हाँ, अब अगर खाली अकेले उदय बैठे रहेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? लड़का बैठा है। अब इस समय यहाँ कितने लड़के हैं? लड़के तीन हैं, तो क्या हो जाएगा? लड़के बैठे हैं। चांदनी आप ध्यान दीजिए, होगा लड़के बैठे हैं। अच्छा, अब हम आप लोगों को चित्र दिखा के पूछते हैं, हैं? आप लोग हमको बताइए, देखिए ये क्या है? बच्चा। हाँ, बच्चा है ना छोटे लाल, ये क्या है? बच्चा। बच्चा, और ये क्या है इतने सारे? बच्चे। बच्चाएं नहीं होता है बेटा, बच्चे। बच्चे का एक वचन बच्चा है और उसका बहुवचन हो जाता है बच्चे। बहुत सारे हैं क्योंकि इसमें लड़के और लड़कियां दोनों हैं। जब लड़के लड़कियां तुम लोग आप लोग एक साथ बैठे तो हम बच्चे तो कहते हैं, बच्चाएं तो नहीं कहेंगे, बच्चाएं गलत है ना। समझ में आया सौम्या? फिर से बताते, देखिए ये बच्चा है एक वचन, ठीक है। जब बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे तो उसको हम क्या हो गया? वो बहुवचन हो गया और हो गया बच्चे। समझ में आया? अच्छा, ये देखिए क्या है? सब्जी। सब्जी, और जो बहुत सारी सब्जी हम एक साथ रख देंगे, सब्जी हाँ हो जाएगा, हो जाएगी ना, बहुत सारी हो गई। तो सब्जी किसका उदाहरण है? कौन सा वचन है? एक वचन है। और ये बहुवचन। बहुवचन है। तो सबको ये बात समझ में आ गई? सब बच्चों को? अब कोई भूलेगा तो नहीं ऐसा है?